श्रावण महीने के समापन पे बड़ी खुशी की बात है कि नगरी टाउन और इसके आसपास के सभी पंचायतें रल मिलकर हर जगह भंडारे जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम जो हैं इसमें बड़ी खुशी की बात ये है कि सभी रल मिलके जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको भी पूरा पालना हो रही है और बड़े ढंग से इस महामाता शेरम वाली माता जी के इस दरबार में इस मंदिर की परिसर में यहाँ के जहाँ पे हमारा क्योंकि पंजाब का और जम्मू कश्मीर का बॉर्डर भी है, पुलिस की चौकी भी है, उनके तत्वावधान से के साथ उनके कोऑपरेशन से भी प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करते हुए ये भव्य समारोह यहाँ पे किया गया है और सभी यहाँ पे आके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और इसी आस्था के साथ इसी विश्वास के साथ आज के इस मौके पर यही एक माता रानी से दुआ है कि हमारे पूरे समाज में समाज को इस कोरोना की महामारी से बचाया जाए और सारा समाज जो है वो एकजुट रहकर प्यार मोहब्बत के साथ आगे बढ़े। हमारे यूथ, हमारे नौजवान, बेरोजगार, माता बहनें, बुजुर्ग सारे लोग जो हैं वो सुख शांति से रहे और इसी के साथ हम पूरे विश्व में शांति और सद्भावना की कामना करते हैं। इसी के साथ हम सबको जिन्होंने ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। पूरी हमारी सिविल सोसाइटी जो है आज यहाँ पे है, हमारे साथ महेंद्र जी हैं जो सिविल सोसाइटी के बड़े एक्टिव मेंबर हैं, हमारे कुलभूषण जी एक्स चेयरमैन हैं जो कि सिविल सोसाइटी के बड़े इंपॉर्टेंट और एक बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, हमारे डॉक्टर शरद शर्मा जी, तो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस डिपार्टमेंट के साथियों का भी बड़ा कोऑपरेशन है, तो सभीों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि सब लोग सुख शांति रखें और माता रानी सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए। धन्यवाद। डॉक्टर शिशु जी ने बोला है कि महामारी जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। कोविड का जो महामारी हमारे देश में हमारे एरिया में फैली हुई है उसके पक्ष में ये जो भंडारा संकीर्तन पूरा श्रावण महीना में हमारे गौ नगरी में चला है, तो हम भगवान से महामारी से यही के दुआ करते हैं कि इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे पर बना रहे और विश्व की शांति के लिए ये भंडारे चलते रहें। यही कहते हैं।